ये हैं रूसी एस्ट्रोनॉट यानी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोरोनेन्को। 21 जून 1964 को तुर्कमेनिस्तान में जन्मे ओलेग को बचपन से अंतरिक्ष को समझने में दिलचस्पी थी। उनके पिता दिमित्री इवानोविच एक कंपनी में बतौर ड्राइवर काम करते थे और माँ ताइसिया तुर्कमेनाबाद एयरपोर्ट पर कम्युनिकेशन ऑपरेटर थी। ओलेग ने इसी देश से हाई स्कूल किया। इसके साथ स्थानीय भाषा में सर्वाधिक नंबर पाने का कीर्तिमान हासिल किया। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने रूसी स्पेस एजेंसी के डिजाइन ब्यूरो के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। बतौर डिजाइन इंजीनियर उनके पास कई अहम जिम्मेदारियां रहीं। 29 मार्च 1996 को उनका सिलेक्शन अंतरिक्ष यात्री के तौर पर हुआ और ट्रेनिंग की शुरुआत हुई। स्पेस के प्रति उनके लगाव का नतीजा रहा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन प्रोग्राम का हिस्सा बनने के बाद अक्टूबर 1998 में उनकी इस प्रोग्राम के लिए ट्रेनिंग शुरू हुई। उन्होंने पहली उड़ान अप्रैल 2008 में भरी और अंतरिक्ष में 200 दिन बिताए। इस तरह उन्होंने दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी अंतरिक्ष यात्रा पूरी की और स्पेस पे 1000 दिन पूरा करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। रूस में एस्ट्रोनॉट को कॉस्मोनॉट कहते हैं। ओलेग ने कुल मिलाकर स्पेस में 1000 दिन पूरा करने का रिकॉर्ड बना लिया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड रूसी कॉस्मोनॉट गेनाडी पडाल्का का था। वे 887 दिन स्पेस में थे। बता दें कि ओलेग के साथ रूसी कॉस्मोनॉट निकोलाई शुब और नासा एस्ट्रोनॉट लोरल ओहारा गई थी। अब ओलेग और नासा एस्ट्रोनॉट ट्रेसी डायसन सितंबर 2024 को वापस धरती पर लौटेंगे। ऐसे में स्पेस में रहते हुए उन्हें सितंबर के अंत तक 1110 दिन पूरे हो जाएंगे।